हेलो दोस्तों, वीर सावरकर का ट्रेलर आ गया है और उसमें सबसे पहले शुरुआत हुआ है। गांधी जी बुरे नहीं थे, मगर वो अपने अहिंसावादी सोच पे अड़े ना रहते तो शायद देश 35 साल पहले आज़ाद हो जाता। लेवान तो सोने का लंका भी था, मगर बात जब किसी की स्वतंत्रता की हो तो चाहे वो रावण का सोने का लंका हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा स्क्रिप्ट को रणदीप हुड्डा खुद से लिखा है और उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वीर सावरकर बनने के लिए, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी जो है वीर सावरकर को देखा नहीं है। मगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप रणदीप हुड्डा को देखेंगे तो आप फील करेंगे कि सही में वीर सावरकर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है ना, मुझे लगता है कि ऐसा बॉलीवुड में कोई एक्टर नहीं है जो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आप पहले भी उनकी मूवी उठा के देख सकते हैं, सरबजीत, लिटरली गाइस वो मूवी बहुत ही बेस्ट था। उनमें कितना ज़्यादा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया सरबजीत बनने के लिए, उसमें पूरा एक्टिंग किया, क्या मतलब मस्त था, एकदम आंसू आ गया उस मूवी को देखकर। बट फिर भी ब्लैक बॉलीवुड पॉलिटिक्स जो है, इसी वजह से बॉलीवुड और डाउनफॉल में जाते जा रहा है। उस टाइम पे भी गली बॉय जैसा गाली देने वाला मूवी को हिट करके अवार्ड दिया गया, बट सरबजीत जो इतना अच्छा मूवी था उसको दरकिनार कर दिया गया। सेम यहाँ पे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि वीर सावरकर मूवी ऐसा दरकिनार हो। आप सबका सपोर्ट चाहिए, वीर सावरकर को ज़रूर देखिए और पूरा इतिहास को आपको जानने का हक है। हमें जो पढ़ाया गया है वो अलग चीज़ है, बट यहाँ मूवी से बहुत कुछ सच्चाई पता चलता है। हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ा है वो सबको पता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, बट अभी हमें इतिहास को अच्छे से जानने का वक्त है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा वीर सावरकर मूवी ज़रूर देखें। जो रणदीप हुड्डा जो ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, मुझे लगता है इस मूवी को करने के लिए उन्होंने जॉलाइन क्रिएट मतलब वैसा बनाया है, एकदम 26 केजी वेट कम किए हैं उस टाइप का जॉलाइन बनाने के लिए, वीर सावरकर जैसा दिखने के लिए। आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं जो वहाँ पे लटके रहते हैं, तो उस टाइम पे कैसा मतलब कितना ज़्यादा पतले हो गए एकदम, उसको अपने आप को ढाल लेने के लिए। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब जॉ लाइन जो है एकदम पूरा मैच कर रहा है, एकदम पतले दुबले हो गए हैं इस मूवी को बनाने के लिए। बात तो है कि बॉलीवुड का पतन होने का सबसे मेन कारण पता है क्या है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बट मेन कारण मैं आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड का पतन होने का मेन कारण है कि वो रूट कल्चर जो है वो भूल गए हैं। जो ये साउथ इंडियन मूवीज़ है आप उसमें आप रूट कल्चर देख सकते हैं। इंडिया का जो रूट कल्चर है वो एकदम वहीं से स्टार्ट करते हैं अपने मूवी को, तो ये रूट कल्चर जब तक भूलेंगे तो देशवासी आपको बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखा देंगे। तो गाइस अगर सही में आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर ट्रेलर नहीं देखें तो आप जाके ट्रेलर देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आप ये रणदीप हुड्डा का जो वीर सावरकर का ट्रेलर जो आ चुका है आप ज़रूर जाके देखें, और मतलब एक लाइक इस वीडियो के लिए सिर्फ रणदीप हुड्डा के नाम पे। थैंक यू।